आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और आपके साथ मैं हूं राहुल। रीवा शहर में एक बार फिर बेखौफ बदमाशों ने धता बताते हुए दिन दहाड़े मारपीट की घटना को अंजाम दिया है। भाग रहे थे? सामान थाने में आप ले जाओ, थाने ले जाओ, थाने ले जाओ, इसको नहीं दिखा, जब तुम थाने जाओ छोड़ दो। सुनो, नहीं चौराहे में उसको चोट लगी है, उसको डॉक्टर को भिजवाइए। अरे यार, तो नीचे तुम को गाड़ी देखने चाहिए, नीचे फंसी हुई है। कोई नहीं मारेगा, तुम बाहर आओ, वो दबा लो, ब्लड निकल है, वो दबा लो। देखिए गलती इसकी नहीं है, जान बचाकर भागा है, मैं इसके पीछे पीछे था, वहाँ मार रहे थे। नहीं नहीं, बाइक चौराहे से फंसा के लाया है, चोट लगी है, इनको मारे हैं, चोट लगी है। ओ भैया थोड़ा आप लोग पीछे हो जाइए, गाड़ी के छोड़ दीजिए, किनारे हो जाओ, किनारे हो जाओ। यहाँ दर्जन भर की संख्या में बाइक में सवार नकाबपोश बदमाशों ने एक कार का पीछा करते हुए उसमें सवार युवकों पर चाकू व रॉड से हमला कर दिया। सरेरा कार सवारों पर किए गए हमले में दो युवक घायल हुए हैं, जिन्हें उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में दाखिल कराया गया है। घटना आज दोपहर तकरीबन 12 बजे शहर के पीके स्कूल के समीप की है, जहां सरेरा बदमाशों द्वारा किए गए हमले में कार सवार अमित तिवारी व जितेंद्र पाठक नाम के दो युवक घायल हुए हैं। घटना के संबंध में छात्र जितेंद्र पाठक ने बताया कि वह लोग बोलेरो में सवार होकर कॉलेज जा रहे थे। जैसे ही सरमौर चौराहा के समीप पहुंचे, तभी 8 से 10 मोटरसाइकिल सवार युवकों ने उनका पीछा किया और पीके स्कूल के समीप गाड़ी रोककर हमला कर दिया। घायलों ने बताया कि सभी हमलावरों ने चेहरों को नकाब से ढक रखा था, जिसके कारण उनकी पहचान नहीं की जा सकी है। फिलहाल घायलों का उपचार संजय गांधी अस्पताल में कराया जा रहा है। हम लोग फोर व्हीलर से जा रहे थे फोटोशूट में, यहाँ चौराहे से हम लोग का पीछा किया गया। यहाँ पीके स्कूल तक मतलब बहुत सारे लड़के थे, तो डंडे लेके मारने लगे, कांच उच गाड़ी का तोड़ दिए, पैसे भी बहुत 10 साले डाले थे उसमें, पैसे भी पता नहीं किस उठा लिए होंगे वही लोग, और बहुत मारे हम लोग को चाकू से, और रॉड लिए थे बड़े बड़े, रॉड से मारे हैं। चाकू से भी हमला किया गया, और पूरी गाड़ी फोड़ डाले हैं। क्या नाम है? नाम नहीं पता किसी को। चाकू से हमला किया गया? जितेंद्र पाठक। कहाँ के रहने वाले? गगेव के। कितने लोग थे वो लोग? बहुत लोग थे, मैं देख नहीं पाया हूँ कौन लोग थे कौन नहीं है।